नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। मुंबई महाराष्ट्र की टॉप 10 बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के 8 जिलों में बाढ़ से 6000 करोड़ के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पोर्नोग्राफी मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 14 दिनों की जेल कस्टडी में भेजा गया। संजय राउत बोले, उद्धव ठाकरे में देश का नेतृत्व करने की क्षमता, जल्द आएगा वह दिन। शरद पवार बोले, मुझे खुशी होगी जब महाराष्ट्र से कोई पीएम बनेगा। राज कुंद्रा को देखते ही भड़क गई थी शिल्पा शेट्टी, चिल्लाते हुए कहा, तुमने परिवार को बदनाम कर दिया, मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल गए। सीएम उद्धव ठाकरे के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शिव सैनिकों ने श्रीमंत दगड़ू से ठलवाई गणपति मंदिर में 61 किलोग्राम का मोदक चढ़ाया। बाढ़ पीड़ितों के लिए शरद पवार ने की बड़ी घोषणा, राष्ट्रवादी कल्याण ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंदों को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। कमाल राशिद खान पर फिटनेस मॉडल ने लगाया बलात्कार का आरोप, मुंबई में दर्ज हुई FIR। सोएब इब्राहिम के पिता ब्रेन हेमरेज के बाद हुए पैरालाइज, जिसके चलते उन्हें मुंबई के अस्पताल में कराया गया भर्ती। NCP नेता नवाब मलिक ने कहा, महाराष्ट्र में आए प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे लोगों की हर संभव मदद की जाएगी, इसके अलावा जीवन बचाने में राज्य सरकार की मदद करने के लिए केंद्र का आभार भी व्यक्त किया। साउथ मुंबई के स्लम इलाके से 35 साल बाद पकड़ा गया मर्डर का आरोपी, भेष बदल कर दे रहा था पुलिस को चकमा। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे एंटी करप्शन न्यूज के साथ।